पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो रेडियन होता है और जो डिग्री होता है उनमें रिलेशन, ठीक है। डिग्री के बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो दो लेक्चर अभी तक हो चुके हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के, और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे और वो है रेडियन, ठीक है। तो बहुत लोग के अंदर ये भी क्वेश्चन रहा होगा कि हम लोग जो इनिशियल साइड लेकर जो मैं बना रहा था, इनिशियल साइड लेकर एक सर्किल कंप्लीट कर रहा था और कह दे रहा था कि ये जो पूरा एंगल बन गया यहाँ पर रेडियन सिस्टम है उसको कहते हैं हम लोग 2π रेडियन। आखिर इसको 2π रेडियन ही क्यों कहते हैं, क्यों नहीं पाई रेडियन हो गया था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेडियन जो है वो SI यूनिट है एंगल की। एंगल का SI यूनिट क्या है? रेडियन। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट्स में, तो आप लोगों को पता होगा कि रेडियन जो है वो SI यूनिट है एंगल का, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल को एक्सप्लेन कैसे किया गया था, व्हाट इज एंगल? थीटा जो है, जिसको एंगल के लिए जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया था? तो बात करते हैं क्यों, और फार्मूला क्या है और क्यों है, ठीक है। तो हर चीज़ को हम लोग बेसिक से जानेंगे और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं सबसे पहले आर का आप लोगों को पता होगा आर क्या होता है। सर्किल पे जो सर्किल का कोई पार्ट हो गया, मान लीजिए सर्किल ये है और सर्किल का मान लीजिए यहाँ से ये वाला पार्ट जिस पर सर्किल पे चलते हुए जो पार्क जो पार्ट होता है उसको हम लोग आर्क कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जो आर्क है, अगर ये आर्क इतना आर्क हो, मान लीजिए इतना आर्क है, सिर्फ यहाँ से हम लोग चलना शुरू किए और इतना आर्क है, यहाँ से चले और यहाँ तक, ये जो है इसको आर्क कहेंगे। मान लीजिए आर्क ज़्यादा है, आर्क का लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है ज़्यादा हो गया, मान लीजिए और आर्क का लेंथ और बढ़ा दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिए, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और एंगल भी क्या हो गया इसके कंपेरिजन में, पहले वाले कंपेरिजन में क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। और आर्क ऑफ रोटेशन जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, आर्क का लेंथ जैसे बढ़ता जाएगा, तो एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगा और एंगल भी ज़्यादा होगा। तो एक तो बात आप लोगों को पता हो गया कि जो एंगल होगा, यानी जिसको थीटा से प्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादा होगा किससे प्रोपोर्शनल होगा? वो होगा आर्क लेंथ से प्रोपोर्शनल होगा। किससे? आर्क लेंथ से। यानी आर्क का लेंथ जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा? एंगल वहाँ पर उतना ही ज़्यादा होगा। अब वही बात करते हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर मान लीजिए इस केस में हम लोग बात करते हैं, ये बड़ा वाला जो सर्किल, दो सर्किल आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, एक छोटा वाला सर्किल और एक बड़ा वाला सर्किल, ठीक है। तो ये सर्किल वन और ये है सर्किल आपका टू, ठीक है। तो पहले सर्किल में हम देखेंगे कि हम लोग अगर आर्क लेंथ मान लीजिए यहाँ से चले और एक सेंटीमीटर का मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का हम लोग आर्क लेंथ लिए, तो 3 सेंटीमीटर का जो आर्क लेंथ है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या हो गया? ये है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मान लीजिए ये एंगल बन रहा है, ठीक है, उतना ही एंगल यहाँ पर कब बनेगा? जब यहाँ से लेकर हम लोग इतना दूर तक जाएंगे, यानी लगभग 3 सेंटीमीटर से, यानी मान लीजिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ये मान लीजिए 9 सेंटीमीटर से इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो इतना यहाँ पर इतना चल रहे हैं तो भी एंगल क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, ठीक है। यानी सेम एंगल के लिए छोटे सर्किल में हम लोग क्या करना पड़ रहा है? कम दूरी चलना पड़ रहा है। और सेम एंगल के लिए बड़े सर्किल में हम लोग क्या करना पड़ रहा है? ज़्यादा एंगल चलना पड़ रहा है। तो बात इससे क्या पता चलती है, छोटे सर्किल और बड़े सर्किल से, ये बात आपको ध्यान से समझिए कि जो छोटा सर्किल है उसमें रेडियस उसका क्या है? छोटा है। उसका रेडियस छोटा है तो छोटी दूर चलने पर हम लोग को छोटे, अगर हम लोग क्या फिक्स कर दे रहे हैं, अगर हम लोग फिक्स कर दें ये लेंथ, क्या लेंथ फिक्स कर दें? ये आर्क लेंथ फिक्स कर दें, यानी हम लोग जो दूरी तय कर रहे हैं ये अगर दूरी फिक्स कर देते हैं हम लोग, तो देखिए क्या बातें आती हैं। मान लीजिए अगर ये दूरी इतना है 3 सेंटीमीटर और इसमें भी हम लोग 3 सेंटीमीटर ही चल रहे, ठीक है, तो अगर इसमें 3 सेंटीमीटर चलते हैं तो इतना एंगल बनता है, ठीक है। और जब इसमें 3 सेंटीमीटर यानी यहाँ से चले और 3 सेंटीमीटर यहाँ पूरा हो गया, तो इसमें सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? इतना एंगल बनेगा। तो सेम आर्क लेंथ जब आर्क लेंथ फिक्स है, आर्क लेंथ जब फिक्स हो जाएगा आपका, तो उस केस में एंगल ज़्यादा कब हो रहा है? एंगल ज़्यादा कब हो रहा है? पहले सर्किल के केस में, सर्किल वन के केस में एंगल क्या है? ज़्यादा है। और एंगल टू और सर्किल टू के केस में वो एंगल क्या है? कम है। यानी एल अगर फिक्स हो जा रहा है तो सब किस पे डिपेंड करता है? सर्किल पे। यानी सर्किल किससे प्रोपोर्शनल है? सर्किल में क्या होता है डिसाइडिंग फैक्टर? रेडियस। यानी अगर रेडियस छोटा है, यहाँ पर रेडियस छोटा है, तो एंगल क्या हो रहा है? बड़ा बन रहा है। यानी इन्वर्स रिलेशन है, छोटा रेडियस बड़ा एंगल, तो थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आपका फार्मूला क्या बना? आपका फार्मूला बना थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस,
ठीक है, दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या हो गया, दोनों को कंबाइन करने से हम लोग को पता चला कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर। बाद में कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करके हम लोग को पता चला कि कोई कांस्टेंट के वैल्यू क्या है, वन है, तो वहाँ से मिल गया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये बात सामने आती है कि थीटा जो है वो क्या होता है, एल बाई आर होता है। ठीक है, थीटा जो है वो लेंथ अपान, जो थीटा मतलब क्या है, ये रेडियन में हम लोग बात कर रहे हैं, तो रेडियन में जो एंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ अपान रेडियस। तो लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ होता है। ठीक है, आर्क लेंथ होता है, रेडियस क्या, आर क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो अगर आप ये बात समझ गए तो आप लगभग एंगल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान चुके हैं आप। तो ये फार्मूला को आप समझ लीजिए, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर। फार्मूला को मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, एल बाई आर क्यों होता है, लेंथ और ये आर्क लेंथ और रेडियस से क्यों ऐसे ऐसे लिखे, क्यों आर्क लेंथ ऊपर है और रेडियस क्यों नीचे है, आप लोग समझ गए होंगे इससे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों जो ये क्या है, ये थीटा जो है ये रेडियन में है। थीटा क्या है, रेडियन में है। ठीक है, तो रेडियन में है तो क्यों हम लोग बात करेंगे कि अगर ये पूरा सर्किल हो, पूरा सर्किल का फॉर्मेशन करे, मान लीजिए हम लोग यहाँ से इनिशियल लेंथ ये लेकर और यहाँ से हम लोग पूरा सर्किल अगर घूम कर आते हैं, पूरा सर्किल वन कंप्लीट सर्किल का फॉर्मेशन होता है, तो आर्क लेंथ कितना होगा, तो आर्क लेंथ यानी क्या, यहाँ से यहाँ तक की पूरी क्या होगी, ये होगा ये जो पूरी डिस्टेंस है ट्रैवल होगी, इस डिस्टेंस का लेंथ, तो इस डिस्टेंस का लेंथ कितना होगा, तो इस डिस्टेंस का जो लेंथ है वो होगा आपका इसका पेरीमीटर, इस सर्किल का, इस आर लेंथ के सर्किल का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। और आर लेंथ के सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा आपका, टू पाई आर। ठीक है, और थीटा क्या होगा उस केस में, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के केस में थीटा होगा एल बाई आर, और कंप्लीट सर्किल के केस में आर्क लेंथ कितना हो जाएगा उसका, पेरीमीटर हो जाएगा, यानी आर्क लेंथ हो जाएगा आपका टू पाई आर और आपका रेडियस अपन आर, एल बाई ये हो गया आपका एल और ये हो गया अपन आर। एल अपन आर करेंगे तो क्या आएगा आपका, एक फिक्स वैल्यू आएगा और वो क्या होगा, टू पाई रेडियन। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर एल बाई आर अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो थीटा होगा क्या, वो थीटा किस सिस्टम में होगा, वो रेडियन सिस्टम में होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, टू पाई रेडियन। तो टू पाई रेडियन कहाँ से आया आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कन्वर्ट कीजिए आप क्वेश्चन है, कन्वर्ट 11/360° रेडियन टू डिग्री सिस्टम, डिग्री में कितना वैल्यू होगा ये बताना है आपको। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पाई रेडियन इक्वल टू 180°। ठीक है, यहाँ से पता चल गया आपको 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1/80/π हो जाएगा। ठीक है, 1/80°π हो जाएगा। तो 1 रेडियन का वैल्यू पता चल गया, तो 11/360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 11/360° रेडियन जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका इक्वल टू, डिग्री में कितना हो जाएगा, 180π × 11/360। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 times। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा 22/22 क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपका ये कट गया यहाँ पे 2 times, तो हो जाएगा आपका 7/4°। अब 7/4° का कैसे लिख सकते हैं, 1/3/4°। ठीक है, तो 1° तो ठीक है, लेकिन ये जो 3/4°, इसको हम लोग मिनट में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1°, 3/4° को हम लोग क्या लेंगे, मिनट में। तो मिनट में करने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 415 × 8 = 43 = 45, यानी ये हो जाएगा आपका वैल्यू 1°, 45 minutes। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ गए हम लोग कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किए। अब आप लोग फिर से इसको, ये जो एंगल है डिग्री में, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ से 1° तो ठीक है, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। पहला काम है, अगर आप उल्टा प्रोसेस जाना चाहते हैं, यानी डिग्री दिया है आपको, डिग्री सिस्टम दिया, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप डिग्री को सबसे पहले टोटली डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो ये 45 minutes है, इसको आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे 45 को डिग्री मिनट है, मिनट को डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे आप, 60 से डिवाइड कर देंगे, आपका वैल्यू आएगा 1/3/4, यानी इसको आप लिखेंगे 7/4, और 7/4° को क्या कर देंगे आप, कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो इस वीडियो में आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जाना, इस फार्मूला को आप लोग याद रखना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, और लगभग हमने सारी बातें इस चैप्टर की जान चुकी हैं, एक लेक्चर और लगेगा और उस लेक्चर में हम लोग लगभग पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे थ्योरेटिकली, क्वेश्चन तो लगाने हैं अभी, सो दिस इज एनफ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि आप एक भी अपलोड को मिस ना कर पाएँ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।